गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आर एल सी सीरीज सर्किट को डिस्कस किया था इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस ओके सो वेन वी टॉक अबाउट द रेजोनेंस हम यहाँ रेजोनेंस इन सीरीज एंड रेजोनेंस इन पैरल दोनों सर्किट में कंसिडर करेंगे कि हमारा रेजोनेंस सीरीज में क्या कंडीशन होती है पैरल में बट उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेजोनेंस तो जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की तो रेजोनेंस इज अ फिनोमिना रेजोनेंस हमारा वो फिनो फिनोमिना है जो सीरीज और पैरल दोनों ही सर्किट्स में अवेलेबल होता है दोनों ही सर्किट्स में पाया जाता है कंडीशन क्या है एक ही कंडीशन होनी चाहिए वेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी और ये कंडीशन तब क्रिएट होती है वेन वी चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट। जब हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी में चेंज करना शुरू करते हैं तो एट विच कंडीशन हमें जिस भी कंडीशन पे पावर फैक्टर यूनिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है एट दैट कंडीशन हम लोगों को रेजोनेंस कंडीशन मिलने लगती है अब वेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन सर्किट बिहेव एज अ प्योरली रजिस्टेड सर्किट दीज आर द थ्री कंडीशन जिन पर हमारा रेजोनेंस जनरेट होता है तो सबसे पहले जो आप, हम लोगों के दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्स इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस नहीं दिस इज द कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सीरीज के केस में कंडीशन डिफरेंट होती है पैरेलल के केस में कंडीशन डिफरेंट होती है तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जिन पर रेजोनेंस जनरेट होता है द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आर व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज एंड सर्किट बिहेवियर इज अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट और ये तीनों कंडीशन हमें कब मिलती है वेन हम जब चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी में और अपने वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं अब अगर आप दिमाग लगाए थोड़ा सा तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो एक्सेल और एक्सी दोनों अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं बिकॉज एक्सेल भी हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट एंड एक्सी भी हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और अगर एक्सएल एक्सी चेंज होंगे तो सिंपल सी बात है इंपीडेंस चेंज होगा अगर इंपीडेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी करंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा तो इनडायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड को कॉन्स्टेंट करके अगर फ्रीक्वेंसी में भी चेंज करते हैं तो भी हम अपने इंपीडेंस को और करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं है ना तो इसीलिए एट विच कंडीशन हम लोगों को जो पावर फैक्टर यूनिटी मिलना स्टार्ट होता है वो कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशन अलग अलग सर्किट के लिए तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है सीरीज रेजोनेंस को तो जब हम बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस की तो फिनोमिना क्या होगा कि वैन रेजोनेंस Taking place in series circuit, then this condition known as series resonance. यानी जब रेजोनेंस हमारा सीरीज़ सर्किट में जनरेट होने लगता है हम उसको सीरीज कहने लगते हैं अब सीरीज रेजोनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर अपना सीरीज सर्किट ड्रॉ किया आर एल एंड सी हमने आर एल सी को यहाँ जनरेट किया तो आर एल एंड सी एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ करेंट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज दिस इज अ फ्रीक्वेंसी टर्म तो यहां से अगर हम अपने इंपीडेंस की कंडीशन को जनरेट करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओके अब हमें यहां पर वो कंडीशन बनानी है जिस कंडीशन पे सीरीज रेजोनेंस जनरेट हो जाए यानी पावर फैक्टर को या तो यूनिटी बनाए या वोल्टेज और करेंट को सेम फेज में लाए या सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बनाए तो यहां पे जब हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो कंडीशन ऑफ सीरीज रेज़ोनेंस, यानी वो कंडीशन जिस पर हमें वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो जब हमने सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन को चेक किया अब हमें अगर सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बनाना है तो इन शॉर्ट हमें इस एक्सएल माइनस एक्सी वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि यही टर्म आपके सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव नहीं होने देगा तो जैसे ही हमने एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो किया तो आप देखेंगे जेड केवल आर के बराबर रह गया पहली कंडीशन जैसे ही जेड आर के बराबर हुआ सर्किट हमारा प्योरली रजिस्टिव हो गया जैसे ही सर्किट प्योरली रजिस्टिव हुआ रेजिस्टेंस के केस में वी और आई आर इन सेम फेज वो दोनों सेम फेज में आ गए और अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू को चेक करें तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड जेड की जगह आर पुट किया वैल्यू इज वन तो आपने देखा कि जैसे ही हमने एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो के इक्वल रखा हमें अपने रेजोनेंस की सारी कंडीशन को हमने फाइंड आउट कर लिया तो यानी यही वो कंडीशन है हमारी जिस कंडीशन पे सीरीज रेजोनेंस जनरेट होगा तो यहां से अगर हम देखें एक्सएल बराबर हो गया एक्सी एक्सएल की वैल्यू होती है टू पाई एफ एल एक्सी की वैल्यू टू पाई एफ सी अब क्योंकि हम यार रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो हमने एफ को एफ आर में कन्वर्ट कर दिया है ना रेजोनेंस टर्म में तो हमने एफ आर को इधर लेकर गए तो ये बना एफ आर स्क्वायर यहां पर ये टर्म बन गया टू पाई का स्क्वायर एल इंटू सी अगर यहां से मैंने एफ आर का वैल्यू निकाला दोनों साइड स्क्वायर अंडर अपना स्क्वायर रूट करके तो हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ वन अपॉइट टू पाई अंडर रूट एल सी तो ये बना हमारा वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले पे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपनी वैल्यू प्रोवाइड कराती है तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जाकर हमें रेजोनेंस फिनोमेना मिलता है वो फ्रीक्वेंसी बनी हमारी एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पॉइंट पर हमारा रेजोनेंस जनरेट हो रहा है इन सीरीज सर्किट ठीक है तो चलिए अब आगे का टॉपिक अपना पढ़ते हैं आई थिंक अब आप लोगों को सीरीज रेजोनेंस का फिनोमिना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस के टर्म की अब हम यहां पर बनाते हैं कि वेरिएशन इन डिफरेंट क्वांटिटीज विद फ्रीक्वेंसी हम यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज के साथ वेरिएशन को चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं करंट एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये है फ्रीक्वेंसी यह है करंट तो अगर हमें करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चेक करना है तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा एक्सेल और एक्सी का रिलेशन तो चलिए देखिए एक तरफ मैंने एक्सेल को लिखा एक तरफ मैंने एक्सी को लिखा बिकॉज यही दोनों टर्म है जिन पर जाकर हमारी रेजोनेंस कंडीशन जनरेट हो रही है और यही फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो यहां पर हमने आर वाले टर्म को क्यों नहीं कंसीडर किया बिकॉज आर लेने का कोई पर्पज नहीं था आर के केस में तो वोल्टेज और करंट ऑटोमेटिकली सेम फेज में पहुंच रहे हैं अब देखिए एक्सेल का फॉर्मूला होता है टू पाई एफ एल यानी एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और आई का फॉर्मूला होगा वी बाई एक्सएल यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अब हम बात कर रहे हैं एक्सी के के केस में तो एक्सी का फॉर्मूला होता है वन अपॉइंट टू पाई एफ सी वन अपॉइंट टू पाई एफ सी की जब हम बात कर रहे हैं तो यानी एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड आई बराबर वी बाय एक्स यानी आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी अगर हम ध्यान से देखें एक ही सर्किट में फ्रीक्वेंसी के साथ करंट के दो अलग अलग नेचर हमको नजर आ रहे हैं एक कंडीशन ऐसी है जहां पर करंट हमारा डायरेक्टली प्रपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के एक करंट ऐसा है हमारा जहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ वो इन्वर्स रिलेशन में जा रहा है और करंट तो सीरीज सर्किट में हमारा सेम होता है इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि जहां पर एक बार वो उसके इनवर्स जाएगा एक बार वो उसके लीनियर जाएगा तो अगर हम यहां पर उसका ग्राफ कंसीडर करें तो लीनियर और तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पर हमें एफ आर मिल रहा है यानी मैक्सिमम करेंट मिल रहा है अब अगर आप ये साइड देखें इस साइड से फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है और साथ साथ करंट भी उसके साथ लीनियरली बिहेव कर रहा है तो करंट और फ्रीक्वेंसी का लीनियर रिलेशन किस सर्किट में था वेन सर्किट इज लाइक इन दिस साइड एक्सी एक्सएल से ग्रेटर देन रखा जा रहा है अब हम इस साइड पहुंचते हैं इस साइड फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है बट करंट लगातार घट रहा है इसका मतलब इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन किस में आ रहा है वेन एक्सेल आपका बिहेवियर में है यानी एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी हुई यानी XC और एक्सेल जब एक दूसरे के बराबर होंगे तब हमें वो कंडीशन मिलेगी जहां पर हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलने शुरू हो जाएगी तो ये वो हमारा पहला वेरिएशन जो हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ है ओके चलिए हमने अपने नेक्स्ट वेरिएशन को देखते हैं एक एक करके स्टडी करते हैं हमने एक ही ग्राफ में बहुत सारी क्वांटिटीज को चेक करेंगे तो यहां पर हम क्वांटिटीज कौन कौन सी ले रहे हैं वन इज रेजिस्टेंस देन इम्पीडेंस देन एक्सेल देन एक्सी तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के साथ अपनी क्वांटिटीज का वेरिएशन देखते हैं आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी चेंज कर लो रजिस्टेंस इज सेम क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा सेम अब हम अपने इंपीडेंस को चेक करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं कंडीशन लिख रही हूं इफ जेड इज मिनिमम तो ऑब्वियस बात है करंट कैसी मिलेगी मैक्सिमम और जेड मिनिमम किसके बराबर वैल्यू दे रहा है हमें R के बराबर यानी करंट के ठीक उल्टा बिहेवियर होगा इंपीडेंस का तो अगर हमने ये पॉइंट को एफ आर मान लिया तो मिनिमम एफ आर पे जाकर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम उससे पहले एफ आर जेड का वैल्यू ज्यादा उसके बाद भी जेड का वैल्यू ज्यादा और करंट का ठीक उल्टा बिहेवियर बनेगा हमारे जेड का ये देखिए और मिनिमम आर तक वैल्यू तो वो देगा ही देगा तो ये ग्राफ किसका बनकर तैयार हुआ बेटा हमारा जेड का करंट के नेचर का यानी देखिए ऊपर मैंने करंट का ग्राफ बनाया है करंट के ग्राफ का ठीक उल्टा ग्राफ हमने इंपीडेंस का बनाया बिकॉज वो दोनों में करंट जब मैक्सिमम हो रहा है तब इम्पीडेंस आपका मिनिमम होता जा रहा है और मिनिमम जीरो क्यों नहीं है क्योंकि हमारा z मिनिमम r वैल्यू तो हमें दे ही रहा है नाउ एक्सेल एक्सेल के साथ आपने कंडीशन पहले निकाल दी एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इसका मतलब जब एक्सेल हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है तो यहां पर ये वैल्यू कैसी प्रोवाइड कराएगा हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कराएगा हमें लीनियर रिलेशन तो अगर हम लीनियर रिलेशन की बात करते हैं तो दिस इज अवर लीनियर रिलेशन फ्रीक्वेंसी जितना चेंज होगी एक्सेल उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा नाउ एक्सी की बात कर रहे हैं तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और हम जो टर्म यूज कर रहे हैं बेटा यहां पर वो है एक्सएल माइनस एक्सी तो एक्सी को मुझे निगेटिव साइड बनाना है है ना तो को जब मैं निगेटिव साइड बना रही हूं तो इनवर्स रिलेशन के हिसाब से वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा दिस इज एक्सी नाउ अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी बनाऊ तो एक्सएल में से एक्सी को माइनस करूंगी तो पहले निगेटिव वैल्यू देगा उसके बाद धीरे धीरे वो एफ आर पे पहुंचेगा जहां पर एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर होंगे और उसके बाद वो एक्सएल की तरफ जाने लगेगा तो ये x बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का आई थिंक अब ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस रजिस्टेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना बिकॉज दिस इज अंस्टेंट क्वांटिटी Z का ग्राफ कर्व क्यों बना बिकॉज जैसा करंट का नेचर था बिल्कुल वैसा ही इंपीडेंस का नेचर बना बट इनवर्स और मिनिमम R तक वैल्यू दे रहा है XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एक्सी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हमने इसे पॉजिटिव साइड क्यों नहीं बनाया क्योंकि हमें एक्सएल में से एक्सी को माइनस करना है तो एक्सी की वैल्यू को निगेटिव साइड रखा गया माइनस XC को जब बनाया तो ग्राफ पहले XC के फेवर में रहेगा और धीरे धीरे वो एक्सएल के फेवर में जाता जाएगा तो ये बनकर तैयार हुआ बेटा हमारा कर डिफरेंट रिलेशन विद डिफरेंट क्वांटिटीज नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्वालिटी फैक्टर जिसको हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं और एक और नाम इसको दिया जाता है दैट इज वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर हमने तीन तरीके से इस फैक्टर को डिफाइन किया है अब हम जब बात कर रहे हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर की तो क्वालिटी मींस यानी हमें वो क्वालिटी चेक करनी है अपने रेजोनेंस की जिस कंडीशन पे हमारा सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में पहुंच रहा है और इसको हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन मैग्निफाई करना यानी वोल्टेज को या तो इंक्रीज करना यानी मैग्निफिकेशन करना मैग्निफाई करना अपने वोल्टेज को तो हम किन वोल्टेज की हेल्प से अपने सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन जनरेट कर रहे हैं केवल वीएल और वीसी बिकॉज इस केस में करंट हमारी क्या है सेम इसीलिए हमने इसको करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर नहीं कहा बिकॉज सीरीज सर्किट में करंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हम किन चीजों में चेंज लेकर आ रहे हैं हम एक्सएल और एक्ससी में चेंज लेकर आ रहे हैं एक्सएल बराबर एक्सी और जब एक्सएल एक्सी के बराबर है तो सिंपल सी बात है अगर मैं दोनों साइड करंट का मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहां पर यह टर्म बन गया वी एल बराबर वी सी इसका मतलब दोनों ही केस में हम वोल्टेजेस को चेंज कर रहे हैं दैट्स पहली बात तो ये क्वेश्चन हमेशा क्या पूछते हैं कि हम क्वालिटी फैक्टर जो है सीरीज सर्किट का उसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर क्यों कहते हैं बिकॉज यहाँ पर करंट क्या रहती है हमारी सेम हम मैग्निफिकेशन किसका कर रहे हैं हम इंक्रीज या डिक्रीज किसको कर रहे हैं वोल्टेजेस को वो भी वीएल और वीसी को इसलिए इसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा क्यू फैक्टर की तो दिस इज अ फैक्टर फैक्टर मतलब रेशियो तो वोल्टेज या तो वी एल या वीसी लू और इसका रेशियो किसके साथ देखा जाएगा टोटल वोल्टेज के साथ जो रेजोनेंस पे जनरेट हुआ है ठीक है तो ये रेशियो सिमिलरली मैंने वीसी के साथ रिलेशन बनाया तो भी मेरा सेम वैल्यू निकल कर आया वी सी बाय वी अब अगर मैं इसको ड्राइव करती हूं तो वैल्यू ऑफ वी एल इज आई एक्स एल वैल्यू ऑफ वी इज आई आर रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज क्या था हमारा आर के बराबर तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई एक्सएल बराबर आर एक्सएल की जगह पर मैंने उमेगा आर एल लिखा यहाँ पर लिखा मैंने आर उमेगा आर की जगह पर मैं रख सकती हूँ टू पाई एफ आर एल अपॉन आर और अभी आपने थोड़ी देर पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया था जिसका फॉर्मूला था वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी इन टू एल डिवाइडेड बाई आर टू पाई से टू पाई को मैंने कैंसिल आउट किया एल से अंडर एल को कैंसिल आउट किया, फॉर्मूला तैयार हुआ बाय आर एल सी ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ मेरे क्यू फैक्टर का तो आई थिंक अब आप लोगों को क्यू फैक्टर की वैल्यू समझ में आ गई होगी तो हम लोग ब्रीफ में एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जहां पर हम लोग फॉर्मूले लिख लेते हैं पहला कंडीशन सीरीज रेजोनेंस तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए द फर्स्ट कंडीशन पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए इंपीडेंस आर के बराबर होना चाहिए यानी मिनिमम करंट हमारी मैक्सिमम मिलेगी फोर्थ पॉइंट वी और आई सेम फेज में होंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा नेक्स्ट पॉइंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन पॉइंट टू पाई अंडर रूड एल सी रहेगा और सेवेंथ पॉइंट क्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमारा बनेगा by R under root L by C. ये हुए हमारे सीरीज रेजोनेंस के कंडीशंस और उनके फॉर्मूले एक जगह तो आई थिंक अब आप लोगों को सीरीज रेजोनेंस समझ में आ गया होगा नाउ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की अब नेक्स्ट टॉपिक इज बैंड ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा बैंड विथ की तो बैंड विथ में पहले तो ये समझ जाइए कि व्हाट इज बैंड विथ द बैंड विथ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो क्या होती है हमारी बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो दो फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंस या एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसा बैंड तैयार करना और उसकी विथ को कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं बेटा बैंड विथ की तो डेफिनेशन क्या हुआ इसका डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज एट एटविच पावर हाफ ऑफ एट्स मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी बैंडविथ का डेफिनेशन क्या हुआ बैंडविथ उन दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है जिन पॉइंट पर आपका पावर आपकी मैक्सिमम वैल्यू से आधा हो जाए वो बनता है हमारा बैंडविथ तो अगर हम करेंट के साथ इसकी करेंट फॉर्मूला देखें करंट का रिलेशन तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बना था ठीक है दिस इज अ पॉइंट ऑफ एफ आर एंड दिस इज अ आई एम तो इस एफ आर के दोनों साइड की दो फ्रीक्वेंसी के साथ हम ऐसा बैंड तैयार करेंगे तो हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे दो पॉइंट लिए दिस इज एफ वन दिस इज एफ टू और यहां पर हम अपनी करंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का बैंड बना इसी को कहा जाता है बैंड विथ एफ वन और एफ टू के बीच का डिफरेंस कहा जाता है बैंड विथ जिसे हम डेल एफ से डिनोट कर रहे हैं बैंड विथ बराबर डेल एफ बराबर एफ टू माइनस एफ वन अब क्योंकि इन दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पे हमारी पावर को हमने आधा कहा है ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज एफ से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे रखी गई है जिससे कि दोनों का इक्वल बिहेवियर रहे और एक ही सेम पॉइंट पर मिले तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये पावर क्या कहलाती है हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे जाके वॉट इज द वैल्यू ऑफ करेंट तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसके कंडीशन में क्या होगा तो सबसे पहले हमने देखा एट रेजोनेंस करंट क्या हो जाती है हमारी आई एम इक्वल टू वी बाय आर है ना और हमारी मैक्सिमम पावर क्या होगी उस टाइम पे आई एम स्क्वायर आर अब एट बैंडविथ पोजीशन हमने जब बैंडविथ पोजीशन पर पहुंचे एट बैंडविड पोजीशन हमने कहा कि पावर हो जाती है मैक्सिमम का आधा मैक्सिमम का आधा का मतलब हमने यहां पर आईएम स्क्वायर आर बाई टू किया तो मैं इस टर्म को एक अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं आईएम डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू का होल स्क्वायर इन टू आर तो अगर आप यहां देखेंगे अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से कंपेयर करूं एक जनरल से तो वॉट इज द करेंट वैल्यू करंट एट बैंडविथ हमारी करंट की वैल्यू क्या निकल कर आई आई एम बाई रूट टू यानी इस पॉइंट पर हमारी करंट की वैल्यू हो गई आई एम बाई रूट टू तो बैंडविथ पे जाकर हमारी पावर हो जाती है आधी और करंट हो जाती है मैक्सिमम का डिवाइडेड बाई रूट टू ये हुआ हमारा बैंडविथ अब हम यहां पर ड्राइव करेंगे अपनी इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने पहली कंडीशन ली अगर मैं एक जनरल कंडीशन लू है तो ये हमारा क्या सर्किट है एक आर एल सी सीरीज सर्किट है तो जनरल करंट क्या बनेगी मेरी वी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आई इक्वल टू वी बाई अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ये बना मेरा जनरल फॉर्मूला पहली इक्वेशन है ना अगर मैं एट रेजोनेंस कंडीशन पर पहुंचू तो आई एम का वैल्यू मेरा बना वी बाई आर जो आपने अभी भी लिखा था और एट बैंडविथ पोजीशन करंट हो जाती है मेरी आई एम बाई रूट टू मैं इस आई एम को यहां पर पुट करू तो मैं इस तरीके से अपनी इक्वेशन बना सकती हूँ आई एम की जगह मैंने वैल्यू पुट करी तो बना मेरा वी बाय अंडर रूट टू आर अब अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखू तो ये करंट निकल कर आ रही है सेम ना बैंडविड्थ के टाइम पर हमने अपनी मैक्सिमम करंट को तो यूज किया ही नहीं इसका मतलब करंट एक जनरल फॉर्म में क्रिएट हो गई हमारी और ये भी एक जनरल करंट है हमारे जो आरएलसी में फ्लो हो रही है तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को सेम करूं इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू तो अगर मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारा वैल्यू क्या बना दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो वी से वी कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर बची मेरी वैल्यू अंडरवूड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इक्वल टू अंडरवूड टू आर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड तो ये वैल्यू बनी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर को उधर लेकर गए तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अब दोनों साइड स्क्वायर है दोनों साइड से स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट लेने के लिए यहां पर मैंने मुझे अब दो कंडीशन चाहिए क्योंकि हम यहां पर दो फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए यानी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए तो यहां पर जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया टेकिंग स्क्वायर रूट तो मैंने यहां पर कंडीशन ये लिखी एक्सएल माइनस एक्सई बराबर प्लस माइनस आर ये दो कंडीशन लेने का रीजन क्या था बिकॉज हम लोगों को दो फ्रीक्वेंसीज पर काम करना है एक एफ वन और एक एफ टू यानी एक एफ आर से पहली फ्रीक्वेंसी एक एफ आर के बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ तो हमने यहां पर इसीलिए दो कंडीशंस क्रिएट किए हैं अब इस एक्सएल को मैंने लिखा ओमेगा एल XC को मैंने लिखा वन अपन ओमेगा सी बराबर प्लस माइनस आर तो ये बनकर तैयार हुई मेरी एक कंडीशन तो ये वो कंडीशन बनी हमारी जिस कंडीशन पे हम लोग अपनी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं बात कर रही हूं फॉर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी मैं बात कर रही हूं एफ वन की तो एफ वन की जब मैं बात कर रही हूं, तो जहां जहां उमेगा आ रहा है वहां वहां मैं क्या रखूंगी उमेगा वन एल माइनस वन अपॉन उमेगा वन सी इक्वल टू अब क्योंकि लोअर हाफ के लिए कह रहे हैं इसीलिए हमने माइनस आर को कंसीडर किया जब अपर हाफ के लिए करेंगे तो इसको प्लस आर कंसीडर करेंगे दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री फॉर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी एफ टू ओमेगा की जगह रखा मैंने टू तो मेरी इक्वेशन बनकर तैयार हुई फॉर प्लस आर के साथ इक्वेशन नंबर फोर तो पहले ये बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने इस तरीके से जनरेट की अब इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर आपके पास आ गई है तो सबसे पहले मैंने इन दोनों इक्वेशन को एड किया एड इक्वेशन थ्री एंड फोर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर मैं इन दोनों को एड करती हूँ ये देखिए इक्वेशन ओमेगा वन और ओमेगा टू को अगर मैं ऐड करती हूँ एल कॉमन One, one को अगर मैं ऐड करती तो माइनस के साथ साथ साथीरोक्वेशन तो तो क्या बनी मेरी उमेगा टू प्लस उमेगा वन ब्रैकेट के बाहर एल माइनस कॉमन वन अपॉन उमेगा वन प्लस वन अपॉन उमेगा टू ब्रैकेट के बाहर वन बाई सी इज इक्वल टू जीरो इस टर्म को उठाकर उधर ले गए ओमेगा टू ओमेगा वन एल इज इक्वल टू यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर बना ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन इन टू वन बाई सी अब देखिए ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो गया ओमेगा वन ओमेगा टू बराबर हो गया वन बाय एल अब अगर आप ध्यान से याद करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्रिएट कैलकुलेट किया था और उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी एफ आर ये देखिए एफ आर बराबर वन अपॉन टू पाई अंडर उल सी यहां से अगर मैं इस टू पाई को इधर ले लू तो उमेगा आर बराबर यही वैल्यू निकल कर आई थी मेरी तो वन बाई एल सी किसके बराबर हुआ मेरा उमेगा आर स्क्वायर के बराबर अब इस उमेगा वन की जगह रखे मैंने टू पाई एफ वन मल्टीप्लाइड उमेगा टू की जगह रखा मैंने टू पाई एफ टू क्वल टू टू पाई एफ आर का स्क्वायर तो ये टू पाई टू पाई से ये टू पाई क्या हो गया कैंसिल आउट तो हमारा फॉर्मूला क्या बना एफ वन एफ टू बराबर f r square. पहला रिलेशन तो ये निकल कर आया जो की बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन एफ आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होता है नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर हमें फोर में से ही थ्री को क्यों माइनस करना है क्योंकि हमें ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन यानी एफ टू माइनस एफ वन चाहिए तो हमने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया देखिए इक्वेशन ओमेगा टू में से ओमेगा वन को माइनस किया एलकॉमन वन अपॉन उमेगा टू में से वन अपॉन ओमेगा वन को माइनस किया तो यहां माइनस और यहां माइनस माइनस प्लस और इन दोनों में से इस माइनस किया तो वैल्यू बन गई मेरी ट्वाइस ऑफ आर तो इक्वेशन क्या बनी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल मैंने प्लस को बाहर लिखकर इस तरीके से लिख दिया क्योंकि एक टर्म माइनस में बन रहा है एक टर्म प्लस में बन रहा है टू आर अब देखिए इसको इक्वेशन को सॉल्व किया ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल यहां मैंने कॉमन लिया ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन वन बाई सी इक्वल टू ट्वाइस अब देखिये ऊपर ही हम लोगों ने प्रूफ कराया भी है ओमेगा वन इक्वल टू इन टू उमेगा टू बराबर होता है वन बाय हम पर इसको पुट कर देते हैं एल प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन वन बाय सी इंटू वन बाय सी तो सी से सी कैंसिल आउट और ये एल ऊपर पहुंच गया तो टर्म बना मेरा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल बराबर ट्वाइस ऑफ आर ये दोनों एक जैसे टर्म है ट्वाइस कॉमन ले लिया हमने टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल बराबर टू आर टू से टू कैंसिल एल को मैंने इधर डिवाइड करा दिया तो मैंने यहां पर लिखा टू पाई एफ टू टू पाई एफ वन बराबर आर बाई एल टू पाई को कॉमन ले लिया एफ टू माइनस एफ वन बराबर आर अपॉन टू पाई एल और अगर आपको याद हो यही होती है हमारी बैंडविथ तो दिस इज कंडीशन ऑफ बैंडविथ एफ टू माइनस एफ वन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया आर अपॉन टू पाई एल अब यहां से अगर मैं एफ वन की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो चलिए देखिए ग्राफ देख लेते हैं एक बार ग्राफ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये देखिए ये हमारा ग्राफ था ये डिस्टेंस अगर डेल एफ है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ डेल एफ बाई टू और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ डेल एफ बाई टू तो एफ आर में से अगर मैं इस डेल एफ बाई टू को माइनस कर दूं तो एफ वन मिल जाएगा और एफ आर में अगर ही मैं ये डिस्टेंस को एड कर दूं तो मेरा एफ टू मिल जाएगा सिंपल कैलकुलेशन तो वही हम कर रहे हैं एफ वन का फॉर्मूला एफ आर माइनस डेल एफ बाई टू एंड एफ टू का फॉर्मूला एफ आर प्लस डेल एफ बाय टू दीज आर अवर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ जिनके बेसिस पे हम अपनी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं तो अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जिससे कि हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो चलिए हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंस को कम्प्लीटली खत्म कर लिया फिर हम पैरेलल रेजोनेंस पे आएंगे और अपने पैरेलल रेजोनेंस के डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम अपना एक नुमेरिकल कर लेते हैं रेजोनेंस का एक सिंपल सा नोमेरिकल लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन एक सर्किट ले रहे हैं तो चलिए अपना एक नोमरिकल सॉल्व करते हैं हमारे पास एक सीरीज आर एल सी सर्किट लिया हमने जिसमें आर का वैल्यू है टेन ओम एल का वैल्यू है पॉइंट वन हैनरी एंड सी का वैल्यू है एट माइक्रोफेरेड ठीक है डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्यू फैक्टर एंड थर्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज अब अगर आप ध्यान से देखें हमने जितने भी रेजोनेंट के डेरिवेशन किए सिर्फ एलिमेंट्स की जरूरत होती है कैलकुलेट करने के लिए ना तो हम वोल्टेज का यूज कर रहे हैं ना करंट का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आराम से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं गिवन डेटा क्या है आर आपको दिया गया है टेन ओम एल दिया गया है पॉइंट वन हेनरी एंड सी इज एट इन टू टेन टू पावर माइनस सिक्स तो सबसे पहले पूछा गया था एफ आर 1 upon 2 pi under root L C. Just put the values 3.14.1 into 8 into 10 to the power minus 6. Our answer is 177.94 Hertz. Simple calculation. Now our second part is Q factor. Formula tha 1 by R under root L by C. वन बाय टेन अंडरवुड पॉइंट वन इंटू एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स क्यू फैक्टर को कैलकुलेट किया था आंसर इज इलेवन पॉइंट वन एट एंड अवर थर्ड पार्ट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू तो एफ वन और एफ टू के लिए तो सबसे पहले हमने डेल एफ कैलकुलेट कर लिया और डेल एफ था हमारा आर बाई टू पाई एल आर इज टेन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ल की वैल्यू थी 0.1 तो सबसे पहले डेल एफ की वैल्यू निकल कर आई हमारी 15.914 हर्ट्स अब इस वैल्यू से हमने एफ वन कैलकुलेट किया यानी एफ आर माइनस डेल एफ बाय टू अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी 177.94 डेल एफ बाय टू की वैल्यू निकल कर आई 7.957 माइनस किया 169.98 हर्ट्ज नाउ पॉइंट नाइन एट हर्ट एफ टू एफ आर प्लस डेल एफ बाई टू यानी 177.94 सेवनटी प्लस सेवन वैल्यू निकल कर आई 185.89 हर्ट्ज तो ये हुआ हमारा सिंपल फॉर्मूला एक नोमेरिकल आर एल सी सीरीज सर्किट का नाउ अब हम अपना सेकेंड नोमेरिकल एक और नोमेरिकल करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको पैरेलल रेजोनेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया मैंने अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस फोर्टी ओम एंड इंडक्टेंस पॉइंट सेवन फाइव हेनरी आर इन सीरीज The resonant frequency is fifty five hertz. If supply is two fifty volt, comma fifty hertz, find first part value of capacitance. सेकेंड आई थर्ड कोसफाई तो देखिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्योंकि आर एल सी सीरीज सर्किट है ये देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मुझे फिफ्टी फाइव हर्ट्स दे रखी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वन अपॉइट टू पाई अंडर उड एल सी इसको अगर मैं फिफ्टी फाइव के बराबर रख दू तो हम यहाँ से सी की वैल्यू को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी वन अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर एल का वैल्यू था पॉइंट सेवन फाइव सी बराबर फिफ्टी फाइव तो वन अंडर रूट सी का वैल्यू निकल कर आया टू नाइंटी नाइन पॉइंट टू सेवन सिक्स एट सी निकल कर आया मेरा इलेवन पॉइंट वन सिक्स माइक्रो फेरेड पहला आंसर आ गया हमारा अब देखिए सेकंड आंसर कैलकुलेट करना है हमें आई रेजोनेंस की कंडीशन में आई का वैल्यू होता है जस्ट वी बाय आर वी था ढाई सौ आर था चालीस सिंपल कैलकुलेशन किया हमने यहाँ पर तो यहां से हमारा करंट निकल कर आया सिक्स पॉइंट टू फाइव एम्पियर अवर थर्ड पार्ट इज कॉस फाइव तो एट रेजोनेंस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू कॉस फाइव द कॉस फाइव वैल्यू इज वन सिंपल कैलकुलेशन तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे कोई क्वांटिटी दे दी जाए और उस क्वांटिटी के बेसिस पे आपसे आगे की चीजें पूछ ली जाए तो ये हुए हमारे रेजोनेंस की कंडीशंस एंड रेजोनेंस के फिनोमिना आपके से रेजोनेंस का यानी सीरीज रेजोनेंस कंप्लीट हुआ हमारा इन द नेक्स्ट वीडियो हम पैरेलल रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे और पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी अब थैंक यू